टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ऊषा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। मेरठ में कलयुगी पिता ने रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया है। पत्नी की 3 बेटी होने पर उसको जमकर पीटा और फिर एक मासूम बेटी की 10,000 में बोली लगा दी। पत्नी ने जब अपनी बेटी के बेचने का विरोध किया तो उसको लाठी डंडों से पीटते हुए उसकी नाक तोड़ दी और घर से निकाल दिया। आज पीड़िता मेरठ के SSP ऑफिस पहुंची और उसने आला अधिकारी से मिलकर पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सुनिए पीड़िता की आप बीती पीड़िता की जुबानी। मेरा नाम है, पति मारते हैं, सो साथ सिखाती हैं, क्योंकि 3 बेटी है ना, मेरे बेटे नहीं है इसलिए। और इस लड़की को हमारी बेच भी दिया था 10,000 में। तो किसने बेचा था? वो हमारी सास ने और पति ने, दोनों ने। मतलब पिता ने ही अपनी बेटी को बेच दिया है। कितने साल शादी को हो गए आपकी? हमारी शादी को 10 साल हो गए। कहाँ की रहने वाली हो आप? हम मेरठ के। और कहाँ शादी हुई थी आपकी? दिल्ली में, रंजीत नगर, दिल्ली। जी जी। तो अब दिल्ली से कोई पुलिस आपकी फरियाद नहीं सुन रही है दिल्ली में? नहीं, अब हमें यहीं मार रहा था तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं दिल्ली में। कौन सा लगता है मेरठ में आपका? सदर थाना। तो सदर पुलिस का क्या कहना है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? गए थे हमें वापसी कर दिया, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, जाओ घर का मैटर आप अपना घर में ही निपटाओ, जाकर जब लड़की मर जाए जब आ जाना हमारे पास, 302 की रिपोर्ट लिखवा देना। तो पुलिस का कहना है कि अगर लड़की मर जाए तब आकर के पुलिस रिपोर्ट लिखवाना। जी जी जी, फेंट वालों ने बोला था जी ये बात, फेंट वालों ने। सुनिए पीड़ित बच्चों से मिली जानकारी। क्या नाम है आपका और क्या आपकी मम्मी के साथ करते हैं आपके पापा? मेरा नाम पापा, मेरी मम्मी को मारते हैं। मम्मी को मारते हैं? आपने देखा है पिटते हुए? आप कुछ कहते नहीं है अपने पापा से? नहीं। डर लगता है आपको भी? कितनी बहनें हैं आप? हम 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं। देखिए पीड़िता की माँ ने इस मामले में क्या कहा। क्या नाम है आपका, क्या मामला हुआ? मेरा नाम नईमा खातून है। मैंने अपने बच्चे की शादी 2013 में की थी, कुछ दिन के बाद ही उन्होंने जेवर बेच लिया 15 दिन के बाद। अच्छा। उस पर भी मैंने कोई इतराज नहीं करा। फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद फौरन ही मेरे बच्चे को मार के निकाल दिया उन्होंने। उनका हमारा देना लेना पसंद नहीं आया। कंपनी का पंखा नहीं दिया, कंपनी का संदूक नहीं दिया, ये नहीं दिया, सोने की अंगूठी नहीं दी मैंने, जबकि सोने की अंगूठी भी दी, गाड़ी भी दी, सब कुछ दिया, सास की भी सोने की चीज़ दी मैंने। उसके बाद इस बच्चे को निकाल दिया। मेरा महिला थाने मैंने रिपोर्ट करी, महिला थाने वालों ने भेज दिया। जब इसे मेरी बच्ची परेशान है, मैं बूढ़ी हो गई, बताओ मैं कहाँ तक इनको हिसाब लगाती रहूँगी। अब जानते हैं CEO रूपाली रॉय से मिली जानकारी। आरोप लगाया, किस पे आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? जी एक महिला आई थी, उनका ये आरोप है कि उनकी 3 बेटियां हैं जिसकी वजह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उनके पति और उनके घर वाले उनके साथ तमाम प्रताड़ना कर रहे हैं। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और इस पर हम कड़ी कार्रवाई भी कराएंगे। पहले हम जांच करा लें, उसके बाद हम उनकी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। थाना पुलिस कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दे रही है, SSP ऑफिस पहुँच करके महिला फरियाद लगा रही है, जहाँ मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि महिलाओं को लेकर के पुलिस सतर्क रहे, किस तरह से कानून व्यवस्था को? देखिए थाना कुछ नहीं करती, ऐसी बात नहीं है, जांच करती है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है, इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे बिल्कुल कार्रवाई होगी। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट TV पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा, गढ़ रोड, मेरठ।